नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। जिला प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव महेश प्रसाद सिंह ने बछवारा प्रखंड अंतर्गत फतेह पंचायत निवासी अवकाश प्राप्त शिक्षक जवाहर चौधरी को मॉर्निंग वॉक के समय बदमाशों द्वारा गोली मारकर निर्मम हत्या कर गहरा दुख व्यक्त करते हुए जिला प्रशासन से मृत रिटायर्ड शिक्षक के परिजनों को शीघ्र न्याय दिलाने, हत्यारे को शीघ्र गिरफ्तार करने तथा एसपी ट्रायल के तहत सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि आए दिन शिक्षक हमले और हत्या के शिकार होते रहते हैं। इस घटित घटना से शिक्षक समुदाय एवं समाज के लोग आक्रोशित हैं। ऐसी स्थिति में सरकार और प्रशासन को इस तरह की घटित होने वाली घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि प्रशासन पर लोगों का भरोसा बना रहे। वहीं माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रखंड सचिव रवि कुमार, प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड सचिव सूरज पासवान, अध्यक्ष चंदन कुमार, राज्य प्रतिनिधि अमित कुमार, रंजीत कुमार आदि शिक्षक प्रतिनिधियों ने इस घटना की घोर निंदा करते हुए प्रशासन से त्वरित कार्रवाई करने की आग्रह करते हुए अपराधियों को कठोर सजा दिलाने की मांग की है। मैं महेश प्रसाद सिंह, सचिव जिला प्राथमिक शिक्षक संघ बेगूसराय, बछवारा प्रखंड अंतर्गत फतेहा ग्राम वासी सेवानिवृत्त शिक्षक जवाहर चौधरी जी का पिछले दिनों अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई। मैं सरकार से मांग करता हूँ, यथाशीघ्र अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। अन्यथा बेगूसराय ही नहीं, पूरे बिहार के शिक्षक इसके लिए आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेवारी सरकार की होगी।